तो कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए हम दो फंक्शन लेंगे। सबसे पहले दो फंक्शन वाला बताता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए कोई ये फंक्शन है एफ, सच दैट इसका डोमेन है एक्स और इसका कोडोमेन है वाई, कुछ इस प्रकार से। और कोई दूसरा फंक्शन है, लेट्स से हम उसको जी ले लेते हैं, और उसका हम डोमेन ले लेते हैं वाई और उसका कोडोमेन ले लेते हैं जेड, कुछ ऐसे। अच्छा, तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि आपका एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन लगा देना। जैसे कि मैं आपके सामने बताता हूं, ये आपका बक्सा सपोज करो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो इनपुट है वो है आपका एक्स, मतलब एक्स की वैल्यूज, जो भी वैल्यूज सेट एक्स से बिलोंग करती हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका रहेगा वाई, और उसके बाद फर्दर एक फंक्शन लगा दिया जी का, यहां पर एक फंक्शन और लगा दिया हमने, जी वाला फंक्शन। तो अब देख सकते हो जी के लिए इनपुट वाई ही होना चाहिए था, तो जी लगा दिया और उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट फिर हमारा हो जाएगा जेड। तो चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मैंने जो ये एफ लिया है, सपोज करो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, और इसके बाद मैंने कोई फंक्शन और एक और लगा दिया, लेट से इसके बाद मैंने एक्स प्लस वन लगा दिया, ठीक है। तो आप देखिए आउटपुट क्या निकलेगा। मान लीजिए मैं इसके अंदर इनपुट डालता हूं, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ईजीआई मतलब एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां दो डाला तो दो से फिर यहां पर बाहर क्या निकलेगा, फोर निकलेगा, और फोर अब इस फंक्शन में गया तो क्या बाहर आएगा, फाइव। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें दो फंक्शन लग गए हैं, तो इसीलिए इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर ले रखा है एक्स स्क्वायर, और यहां पर जो जी एक्स फंक्शन है, जी मतलब कि कोई फंक्शन का नाम लिया है, और ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन एफ, आपका फंक्शन जो है वो एक्स का होगा, एक्स प्लस वन। तो यहां पर असल में हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो वैल्यू है वो फंक्शन एफ में जा रही है और उसके बाद फिर वो जी में जा रही है। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका देखो आप, सोचो इसमें कि लिखा कैसे गया होगा। आपकी जो वैल्यू है सबसे पहले एफ एक्स में गई, एफ एक्स में गई ना, और एफ एक्स से जो भी वैल्यू निकल के आई वो जी का एक्स बना, मतलब पहले जो वैल्यू है वो यहां पर गई टू में। यहां पर आपका टू कहां पर आया, इसकी जगह टू रखा, जब इसकी जगह टू रखा तो यहां टू रखा जाएगा, यानी कि टू का स्क्वायर हो गया, चार बना। अब ये चार आपका कहां रखा गया, यहां पर चार रखा गया, और चार यहां रखा गया तो इसका मतलब चार यहां पर रिप्लेस होगा, एक्स की जगह भी चार रखोगे तो चार प्लस एक आपका पांच होगा। तो यानी कि जो भी वैल्यू है आपकी एफ एक्स की जो निकली वो वैल्यू आपकी जी के लिए इनपुट बनेगी। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बना है, समझ रहे हो, मतलब पहले एक्स में आया, एक्स से एक फंक्शन लगा, फिर वो जो वैल्यू निकल के आई वो इनपुट बनी जी के लिए, और फिर जी में फंक्शन में लगा, फिर वो उसके लिए आउटपुट बनी। तो ये जो आप देखें इसको रीड अगर आप करें तो ये रीड कैसे किया जाता है, ये गोफ रीड किया जाता है, जी ऑफ एफ गोफ, और गोफ के साथ आप आगे चाहो तो आप लगा दो ऐसे एक्स, जी गोफ ऑफ एक्स ऐसे। तो यहाँ पर इनपुट ये हो गया, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। अच्छा, अगर इसी तरह के इस फंक्शन में हम अगर देखें इस तरफ, यहां अगर मैं बात करता हूं यहां के केस में कि आपका जो गोफ है वो क्या बनेगा, गोफ के लिए इनपुट क्या रहा। अगर मैं गोफ का इनपुट की बात करता हूं तो देखो गोफ के लिए इनपुट क्या चला, अगर ऐसे से चलाते चले, गोफ के लिए इनपुट एक्स रहा और आउटपुट आपका जेड रहा। तो इसके लिए इनपुट आपका एक्स है और आउटपुट आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट कोडोमेन जो है वो जेड होगा। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए अगर उल्टा बनाया होता, उल्टा फोग की बात कर रहा होता, फोग, तो फोग, फोग का मतलब पहले आपकी जो वैल्यू है जी में जाएगी और जी में जाने के बाद जो भी आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट एफ का इनपुट बनेगा। तो देखो मान लीजिए अगर जी में गई तो जी के लिए इनपुट क्या रहा, वाई, और आउटपुट क्या रहा, जेड। अब जेड जो आउटपुट है वो एफ के लिए इनपुट बनना चाहिए, पर जेड आपका एक्स से मैच नहीं करता तो इसलिए वो फंक्शन काम ही नहीं कर पाएगा, यानी कि जेड आपका जो है वो एक्स से मैच तो कर नहीं रहा,
अगर वो मैच कर रहा होगा तो फिर तो काम कर जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग तरह से अगर रिप्रेजेंट किया तो वो काम नहीं कर रहा, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइंड ये काम नहीं करेगा। दोबारा देख लो चाहो तो, एक तरह से मान लीजिए सबसे पहले जो वैल्यू है वो जी में गई, मतलब आपकी जो जी के लिए जो इनपुट था वो वाई सेट्स के एलिमेंट्स से, और उससे जो इनपुट से बाद जो आउटपुट जो निकलेगा वो जेड बनेगा, और जेड आपका जाना था एफ में, और एफ को असल में इनपुट चाहिए क्या एक्स का, तो यहाँ पर जो है अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो है आपका एक एरर दे देगा इस तरह से, वो ऐसे सिंटेक्स एरर दे देगा, एक गड़बड़ हो रही है भाई, तो आपका जो आउटपुट होगा वो आपका एरर दिखाई देगा कुछ इस तरह से, गड़बड़ दिखाई देगी भाई, भाई एरर हो गया, ये कुछ नहीं आ रहा, गड़बड़ ऐसे करके एरर दिख जाएगा भाई, गड़बड़ है, तो यहाँ पर ये क्योंकि मैच नहीं कर रहा, अगर ये मैच कर जाएगा तो काम कर जाएगा, पर अगर मैच नहीं कर रहा तो वो काम नहीं करेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक थोड़ा सा रियल लाइफ का एक प्रोसेस लेने की कोशिश करते हैं और बेटर समझने के लिए, और इस बार फंक्शन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं केवल दो फंक्शन लगाए हैं, थोड़े ज़्यादा फंक्शन लगाते हैं, चलो सपोज करते हैं हम तीन फंक्शन लगाते हैं, और सिचुएशन के तौर पे हम सपोज करते हैं कि ये आपका सपोज करते हैं जो मैंने पूरा एक बॉक्स लिया है इसके अंदर कुछ फंक्शंस लग रहे हैं, तो सपोज करिए कि आपके सामने एक फंक्शन है, फंक्शन का एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री है सपोज करो कि फैक्ट्री आपके सामने, और ये जो फैक्ट्री है वो आपका कॉटन से थ्रेड बनाती है, कॉटन से थ्रेड बनाती है, तो यहाँ पर जो इनपुट है वो हम कॉटन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉटन आपका इनपुट हो गया, और ये जो फैक्ट्री है ये कॉटन से थ्रेड बनाती है, तो सपोज करो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स हो गया, और ये आपकी कोई फैक्ट्री हो गई, ये ऐसे कोई फैक्ट्री हो गई, और इससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो थ्रेड निकल के आ रहा है, कुछ इस तरह से आपका ये थ्रेड आउटपुट आ रहा है। अब इसके आगे भी एक हम फैक्ट्री लगा देते हैं, और फैक्ट्री क्या लगा देते हैं कि भाई थ्रेड से वो कपड़ा बना रही है, ऐसे कुछ कपड़ा बन रहा है ये आपका ये, और ये फैक्ट्री का नाम फंक्शन लगा देते हैं जी एक्स, और ये भी आपकी जो है ये भी एक फैक्ट्री है, ये भी आपकी कोई एक तरह की फैक्ट्री हो गई, और इससे जो इस फैक्ट्री में जब थ्रेड जाता है वो थ्रेड से फिर कपड़ा बन के निकल के आता है, क्लोथ बन के आता है, ठीक है। अच्छा चलो, क्लोथ के बाद भी एक हम ऑपरेशन लगा देते हैं, लेट से कि आगे कोई टेलर बैठा हुआ है, टेलर जो है उस कपड़े से आपकी शर्ट बना रहा है, ये सपोज करो आप, ये एच बना देते हैं हम एच इस तरह से, और ये इस तरह से आपकी शर्ट बन के आ रही है, ये टेलर बैठा हुआ है कोई टेलर। अच्छा आप ये सोच रहे हो शर्ट बनाने के लिए केवल कपड़ा तो नहीं चाहिए आपको, इसके साथ बटन भी चाहिए, चलो इन सब चीजों को अभी फिलहाल इग्नोर कर दो, केवल ये मान के चलो कपड़ा से हमने शर्ट बनाई, ठीक है, उन चीजों को उन और पार्ट्स को हम फिलहाल इग्नोर करके चलते हैं, समझने के लिए मैंने केवल बनाया ये सिचुएशन ताकि आपको चीजों को और बेटर क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में अगर आप देखें तो जहाँ पर आपका एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन के लिए कॉटन इनपुट आ रहा है, तो कॉटन के लिए भी हम कुछ ले लेते हैं इनपुट के लिए, चलो उसको डिनोट कर देते हैं सी टी से, सी टी आपका सी टी, सी टी इनपुट है इसका, और इसका जो आउटपुट निकलेगा इस फैक्ट्री से आउटपुट आप ले लो सपोज करो टी एच, थ्रेड, थ्रेड आ रहा है। अच्छा अब जो आपकी जी एक्स फैक्ट्री है जिसको इनपुट क्या चाहिए थ्रेड, और थ्रेड से आपको निकल के आ रहा है क्लोथ, क्लोथ को सी एल ले लेते हैं, और अब जो टेलर वाला फंक्शन लग रहा है मतलब टेलर जो कपड़ा सिल के तैयार कर रहा है उसके लिए आपकी शर्ट बन के आ रही है, तो शर्ट के लिए मैं काम करता हूँ इसको एस एच ले लेता हूँ एस एच, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसको थोड़ा चीजों को एक बार ध्यान से देखिए, होता क्या है, इसके लिखते हैं फंक्शन, पहला फंक्शन, पहले फंक्शन के लिए जो आपका इनपुट है, इनपुट क्या है, तो इसके इनपुट के लिए डोमेन जो है इसका कॉटन हो जाएगा, और आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी थ्रेड टी एच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी फंक्शन, जी फंक्शन के लिए थ्रेड इनपुट है और आउटपुट आपके लिए क्लोथ है, ठीक है। और उसके बाद एच फंक्शन है जो कि टेलर फंक्शन है, उसके लिए क्लोथ इनपुट है और आउटपुट एस एच है, ठीक है। तो उसको अगर हम कंबाइन करके कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले होता हो क्या रहा है इसमें कि आपका जो एक्स है, एक्स आपका सपोज करो इनपुट है,
वो एक्स इनपुट सबसे पहले किस में गया है, ये फंक्शन एफ में गया है। अब फंक्शन एफ में जाने के बाद जो भी इससे बना, जो भी इससे चीज बनी आपकी नेक्स्ट, वो किस में गई है, वो जी में गई है, ऐसे जी में, मतलब वो जी का इनपुट बना। अच्छा, अब जो इससे पूरा निकला, ये इससे जो जो भी पूरा निकल के आया वो आपका किस में गया, टेलर वाले में, एच में गया। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे आप, होगोफ बोलेंगे इसको आप, हो गोफ। अच्छा, हो गोफ, और इसके चाहो तो आप इसके सब लिख सकते हो गोफ ऑफ एक्स, और नहीं तो बेसिक कितना भी लिख सकते हो। और इसके लिए, हो गोफ के लिए जो इनपुट है वो इनपुट क्या बनेगा, कॉटन, और आउटपुट क्या बनेगा, शर्ट। मतलब होगो फंक्शन अगर आप लगाते हो तो इनपुट में सीधा कॉटन डालिए और आउटपुट में सीधा शर्ट पाइए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कुछ फंक्शंस को आगे पीछे कर सकते थे क्या, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने जी का पहले लगा दिया तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो इनपुट में आप कॉटन डालोगे जी का फंक्शन में, उसको जबकि थ्रेड चाहिए तो क्लॉथ तो बनना ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, फैक्ट्री आपकी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, और टेलर को आप सीधा कपड़ा या कॉटन पकड़ा दो तो टेलर कैसे बना देगा शर्ट, वो बना ही नहीं सकता, उसको तो क्लॉथ चाहिए ना इनपुट में, समझ रहे हो। तो ये जो कंपोजिट फंक्शंस है ना, ये आपके डिफाइंड भी कब होने चाहिए, जब आपके इनपुट, उसके लिए भी इनपुट होना चाहिए सेम। जैसे कि यहां पर देख सकते हो कि जो एफ का जो आउटपुट है वो जी का इनपुट है, तभी काम करेगा वो, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। और जी का जो आउटपुट है वो एच के लिए इनपुट है, समझे। तो ये है आपका कंपोजिट फंक्शन का बेसिक।